ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज आपको डरावनी कहानियां सुनाते रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं फिर से हाजिर हो गया हूं कुछ डरावनी कहानियों के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कहानियां पसंद आएगी और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपने हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स लगा लीजिए। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी 19-20 लगे, क्योंकि मुझे अभी ज़ुकाम हो रखा है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरी आवाज़ में आपको कुछ बदलाव नज़र आ सकते हैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ऐसा महसूस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये बात तकरीबन 5 साल पुरानी है, जब मैं रात के वक्त रेलवे स्टेशन पहुँचा। मेरी जो ट्रेन है वो रात के समय की थी। मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा और मैंने देखा कि रेलवे स्टेशन पे कोई भी नहीं था। मैं चुपचाप वहाँ एक सीट पे बैठकर अपनी जो ट्रेन है उसका इंतज़ार करने लगा। और टाइम देखते देखते वो जो मेरी ट्रेन थी वो आ गई। जब ट्रेन आई और मैं ट्रेन में चढ़ा तो मैंने अंदर का नज़ारा देखा, तो अंदर का जो नज़ारा था वो काफ़ी ज़्यादा अजीब था, क्योंकि बोगी में एक भी पैसेंजर नहीं था। मैं अकेला पैसेंजर था। ऐसा मेरे साथ ज़िंदगी में पहली बार हुआ था। मैं पूरी खाली बोगी में अकेले जा रहा था। फिर मुझे लगा कि खैर अपना क्या है, अपने को तो अपनी मंजिल पे पहुंचना है। और मैं सीट पे जाके बैठ के धीरे धीरे ट्रेन चलती रही। फिर मैंने सोचा कि बैठे बैठे टाइम पास नहीं हो रहा, इसलिए मैं जो गेट होता है वहाँ पहुँच गया। और वहाँ पर मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। मुझे स्टंट्स का भी काफ़ी शौक़ था, तो मैं वहाँ पर स्टंट्स करने लगा। स्टंट्स काफ़ी जानलेवा थे, लेकिन मैं शौक शौक में करे जा रहा था और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ट्रेन चलती रही और मैं स्टंट करता रहा। और तभी अचानक से मेरा जो हाथ था वो छूट गया और मैं गिरने ही वाला था। तभी वहाँ पर एक मेरी ही उम्र का एक लड़का आया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अंदर खींच लिया। मैंने उसे देखा तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि पहले जब मैं बोगी में आया था तो पूरी बोगी खाली थी, तो ये इंसान ये बंदा बोगी में आया कैसे। ट्रेन तो बीच में कहीं रुकी ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं खुशी मनाऊँ या डरूँ, क्योंकि वो बंदा अचानक से बोगी में पता नहीं कहाँ से आ गया था। मैंने उससे पूछा, भाई जब मैं चढ़ा था तब तो पूरी बोगी खाली थी और अचानक से तुम। जिसके जवाब में उसने कहा, अरे मैं तो यहाँ लास्ट वाली सीट के नीचे छुपा हुआ था, वहाँ मुझे लगा कोई टीसी वगैरह आ गया तो मैं डर के नीचे छुप गया था, फिर मैंने देखा कि तुम यहाँ पर स्टंट कर रहे हो। वो तो मैं सही वक्त पर आ गया, वरना आज तो तुम जाते। और फिर मैंने उस बंदे को उसको मैंने गले से लगा लिया और मैंने कहा, भाई तूने तो आज मेरी जान बचा ली, वरना आज तो मेरा मरना तय था। जिसके जवाब में उस बंदे ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, लेकिन आगे से कभी भी अपनी जान के साथ मत खेलना, ये जो सारी हरकतें होती है सब पागलों वाली हरकतें होती है, अपनी जान को बेमतलब में खतरे में डालना कोई बहादुरी का काम नहीं होता। मैंने भी हाँ में सर हिलाया और फिर उसने बताया कि मैं भी तुम्हारी तरह था, मैं भी काफ़ी स्टंट्स करने का शौकीन था, मैं काफ़ी स्टंट्स करता था, कभी बाइक्स पे, कभी कार से, कभी कभी अपने आप से ही खतरनाक चीज़ों को करता रहता था। मुझे लगता था कि मैं जितनी खतरनाक चीज़ें कर पाऊँगा मैं उतना ही बहादुर कहलाऊँगा, और मैं ऐसा ही करता रहता था। एक दिन जब मैं स्टेशन से ट्रेन पकड़ के अपनी मंजिल की ओर जा रहा था, तो मैं भी एक ट्रेन में चढ़ा था जिसकी बोगी पूरी खाली ही थी, और मैं भी टाइम पास करने के लिए ट्रेन के गेट पर आ गया। और ट्रेन के गेट पर आने के बाद मैं भी स्टंट्स करने लगा, लेकिन मेरी किस्मत तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं थी, मेरा भी हाथ छूट गया और मेरी मौत हो गई। मेरी बेवकूफ़ी की सज़ा मेरे माँ बाप को भुगतनी पड़ी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का एक
लौता बेटा था, और मेरे मरने के बाद मेरे माँ बाप की ज़िंदगी बद से बदतर हो गई। इसलिए मैं किसी को भी ट्रेन में स्टंट करने नहीं देता, और कोई अगर गिरने वाला होता है तो उसे बचा लेता हूँ। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरी आंखें खौफ से बड़ी हो गई, और मैंने कहा कि भाई मजाक, इतना बुरा मजाक अच्छा नहीं है भाई, ये मजाक कुछ ज़्यादा ही हो गया। मैं मानता हूँ तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन ऐसे मजाक मत करो यार। ये देख रहे हो बोगी भी खाली है और तुम ऐसे मजाक कर रहे हो, डर लगता है। जिसके जवाब में उस बंदे ने कहा कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ और अभी तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये कहकर वो जो बंदा था वो ट्रेन के गेट पर आया और मेरे आँखों के सामने ही उस ट्रेन से नीचे कूद गया। और जैसे ही वो ट्रेन से नीचे कूदा, वो कहाँ गायब हो गया कुछ भी नहीं पता चला, एकदम हवा के झोंके की तरह वो गायब हो गया। मेरी आंखें तो खौफ से बाहर आ गई, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने अपनी आंखों के सामने क्या देख लिया। क्या उसने आत्महत्या कर ली? मेरा दिमाग चकरा रहा था, मैं अपना वहीं सर पकड़ कर बैठ गया कि आखिर ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ क्या। जैसे तैसे करके मैंने वो समय बिताया, और जब मेरा स्टेशन आ गया तब फिर मैं अपने स्टेशन पे उतरा, और जब मैं स्टेशन से अपने घर जा रहा था तो वहाँ रेलवे स्टेशन की एक दीवार पे एक पोस्टर लगा हुआ देखा मैंने। एक बूढ़ा आदमी रेलवे स्टेशन की दीवारों पे पोस्टर लगा रहा था, और जब मैंने उस पोस्टर को देखा तो उस पोस्टर में उसी आदमी की फ़ोटो थी जिससे मैं ट्रेन में मिला था। और फिर मैंने उस पोस्टर को पास जाके पढ़ा, उस पे लिखा हुआ था, अपनी जान के साथ कभी ना खेलें, स्टंट जैसी बेवकूफ़ चीज़ों में अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ये स्टंट आपकी जान भी ले सकते हैं। और जब मैंने ये पोस्टर पढ़ा तो मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा, अंकल ये पोस्टर आप क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर? और फिर उस बूढ़े आदमी ने बताया, बेटा मेरा जो बेटा था ना, वो भी ट्रेन में स्टंट करते हुए मर गया, इसलिए मैं पोस्टर लगाता हूँ यहाँ पर हर हफ्ते आगे, ताकि लोग इसे पढ़े और किसी और की बेटे की मौत ना हो स्टंट पे। मेरा बेटा तो मर गया, किसी और का बेटा ना मरे, मेरी ज़िंदगी तो नरक हो गई, मैंने अपना जवान बेटा खो दिया, और मैं नहीं चाहता कि कोई और बुजुर्ग बाप अपना जवान बेटा खोए, इसलिए हर हफ्ते आके यहाँ पर पोस्टर लगाता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी में घटी सबसे अजीब और ड्रावटी घटना थी, लेकिन मैं ऊपर वाले का शुक्र मनाता हूँ, क्योंकि वो जो बंदा था उसे मैं कोई आत्मा नहीं बोलूँगा, उसे कोई मैं भूत प्रेत नहीं बोलूँगा, वो एक फरिश्ता था जिसने मेरी जान बचाई थी, और उसका एहसान मेरे ऊपर ज़िंदगी भर रहेगा। एक बार मैं अपने गांव वापस आ रहा था शहर से। मेरा जो गांव है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, काफ़ी पिछड़े हुए इलाके में है, तो जो वहाँ का रास्ता है वो काफ़ी सुनसान और वीरान है, वहाँ आसपास सिर्फ जंगल है। तो मैं उसी रास्ते से होते हुए आ रहा था अपने गांव की तरफ, तो सूर्यास्त हो गया था, अंधेरा हो रहा था धीरे धीरे। मैं टॉर्च की रोशनी के सहारे आगे बढ़े जा रहा था, और यही सोच रहा था कि जल्द से जल्द घर पहुंचा जाए। मैं काफ़ी जल्दबाजी में था क्योंकि वहां के माहौल से मैं काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। मैं एक तो अकेला था, और ऊपर से जो वीरान रास्ता था वो काफ़ी ज़्यादा डरावना था। वहां की जो हवा थी वो जैसे जैसे मेरे शरीर को छू रही थी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं जैसे तैसे अपने कदमों को तेज़ी से बढ़ाता हुआ उस रास्ते से गुजर रहा था, तभी मेरी टॉर्च जो कि सामने की ओर रोशनी कर रही थी, मैंने एक आदमी को देखा, तो वो आदमी मुझे ऐसा लगा कि मेरी पहचान का है, और मैंने उसे आवाज़ दी, अरे भाई सुनो, अरे तुम भी वहाँ प्रतापगढ़ जा रहे हो क्या? अरे भाई सुनो, मेरे गांव के हो क्या, प्रतापगढ़ के? और उस आदमी ने मुझे मुड़कर देखा, और उसकी शक्ल देखकर मेरा जो सारा डर था वो गायब हो गया। उसने मुझे देखते हुए कहा, हाँ भाई मैं ही हूँ, प्रतापगढ़ से मैं भी हूँ,
मैं उसे जानता था, वो भी मेरे गांव का था, और मैं तुरंत भाग के उसके पास गया और मेरा सारा खौफ खत्म हो गया, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं था। मैंने सोचा कि उसके साथ अब रास्ता आसानी से कट जाएगा, और मैं उसके साथ चलने लगा और उससे बातचीत करने लगा। मैं उससे बातचीत कर रहा था, बातचीत करते करते हमने कई चीज़ों के बारे में बातचीत करी, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि वो मुझसे ठीक तरह से बातचीत नहीं कर रहा, जैसे वो कोई अनजान हो। लेकिन मैं तो उसे जानता था, वो मेरे गांव का ही था, लेकिन उसका जो अनजान व्यवहार था वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा कि गांव तक ही पहुँचना है, उसके बाद ये अपने घर में अपने घर, और मैं उसके साथ चले जा रहा था। तभी उसने मुझे बोला, भाई मुझे पता है क्या एक शॉर्टकट पता है, अगर ऐसे चलते रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ ऐसे ना एक शॉर्टकट से चलते हैं, मुझे पता है, लेकिन वो जंगल के बीच से होके जाता है। मैंने उससे कहा, अगर तुझे रास्ता ठीक से पता है तो चलते हैं फिर। जिसके जवाब में उसने हाँ में सर हिलाया और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो मुझे जंगल वाले रास्ते से लेकर जा रहा था। मुझे वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद शॉर्टकट है कोई, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा पूछताछ नहीं करी। मेरे गांव का ही बंदा था और वो मुझे लेकर जा रहा था। जब वो आगे आगे चल रहा था, तभी अचानक से मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ, और फिर मैंने फ़ोन उठाया तो वो मेरा फ़ोन मेरे पापा का था, और मेरे पापा ने मुझसे कहा, अरे कहाँ रह गया है, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, सूर्यास्त हो गया है, अंधेरा हो गया है, हाँ जल्दी बता कहाँ है। और फिर मैंने अपने पापा को बात बताई, अरे मैं ये गांव में जो हमारे पड़ोस में जो लड़का रहता है ना, उसी के साथ हूँ और अपने घर आ रहा हूँ, ये कोई शॉर्टकट बता रहा है और मैं जंगल से होते हुए जा रहा हूँ। और जब मेरे पापा ने बात सुनी तो वो मुझे डांटने लगे, और उन्होंने मुझसे बोला, अरे बेवकूफ उस जंगल वाले रास्ते से नहीं आना, चल मेन रोड से आ, भले ही कितनी भी देर लगे, और उसका पीछा छोड़ दे वो जो भी है। और फिर मैंने कहा, अरे पापा हमारे पड़ोस में ही तो रहता है, हमारे गांव का ही तो है, ऐसे कैसे उसे छोड़ दूँ। और फिर मेरे पापा ने जो कहा वो सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे पापा ने कहा, अरे बेवकूफ वो लड़का अभी मेरे सामने बैठा हुआ है, तो तू किसके साथ घूम रहा है वहाँ पर। और जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैंने सामने की ओर देखा, जहाँ अभी थोड़ी देर पहले ही वो आदमी चल रहा था, वहाँ पर कोई भी नहीं था, वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, वो कहाँ गायब हो गया मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उल्टे कदम वहाँ से भागना ही ठीक समझा और भागते भागते अपने गांव पहुँचा, और मैंने देखा कि वो जो गांव वाला लड़का था वो सच में मेरे पापा के साथ मेरे घर पे बैठा हुआ था। इस घटना से मैं इतना ज़्यादा घबरा गया कि मैंने रात के वक्त उस रास्ते से आना जाना छोड़ दिया, और मैं जितना हो सके उतना जल्दी अब सूर्यास्त होने से पहले ही अपने घर आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हो ना हो उस दिन जिससे मैं मिला था वो कोई बुरी शक्ति थी, और वो मुझे जहाँ भी ले जा रही थी वो मेरा जिंदगी का आखिरी दिन बना देती, लेकिन मैं बच गया। रोहन के माता पिता किसी काम से बाहर गए थे। रोहन अपने घर में अकेला था। रोहन के माता पिता ने रोहन से कहा था कि रात के 9 बजे खाना खा के सो जाए, लेकिन रोहन कहाँ मानने वाला था। रोहन ने अपने माता पिता की बात को नहीं माना और रात भर जागता रहा। तकरीबन रात के 2 बजे वो बोर हो रहा था, तभी उसके दिमाग में आया क्यों ना वीडियो गेम खेला जाए। उसके पास एक स्मार्टफोन था, उसने उसके अंदर BGMI को ओपन किया। BGMI ओपन करने के बाद जब उसने मैच को स्टार्ट किया तो उसके टीममेट्स में से एक 2 नंबर का टीममेट कहने लगा कि हेलो हेलो कोई है इंडिया से कोई है, जिसके जवाब में रोहन ने कहा कि हाँ भाई मैं हूँ इंडिया से मैं हूँ। फिर उस 2 नंबर वाले से काफ़ी बातचीत करी रोहन ने और साथ में कई गेम्स खेले। उन्होंने कई बार चिकन डिनर किया और वो आपस में काफ़ी अच्छी तरह से घुल मिल गए थे। वो एक साथ खेल खेल के काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। वो पूरी रात गेम खेलते रहे। तकरीबन रात के 3 बजे जब रोहन BGMI खेल रहा था, तभी उसे किसी के चीखने की आवाज़ आई। और वो आवाज़ उस टीममेट के माइक से आई थी।
इतनी भयानक आवाज सुनने के बाद रोहन काफी ज्यादा डर गया और वो चिल्लाते हुए बोला कि क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है। और इसके जवाब में रोहन को एक अजीब सी डरावनी हंसी सुनाई दी। और ये डरावनी हंसी सुन के रोहन इतना ज्यादा घबरा गया कि उसने गेम को वहीं बंद कर दिया और मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। मोबाइल स्विच ऑफ करते ही उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था, वो आवाज काफी ज्यादा भयानक थी, हर तरफ सन्नाटा था। वो घर में अकेला था, अभी तक तो वो वीडियो गेम खेल रहा था जिसकी वजह से घर के सन्नाटे की तरफ उसका ध्यान नहीं गया था, लेकिन अब उसका ध्यान मोबाइल की तरफ से हटा और उसने देखा कि हर तरफ पूरे घर में सन्नाटा है। उसे अंधेरे से डर लग रहा था जिसकी वजह से उसने लाइट्स को ऑन कर दिया और बैठ गया। वो बैठकर टीवी देख रहा था, तभी अचानक से उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके घर में उसके अलावा कोई है। उसे किसी के कदमों की आवाज़ आ रही थी और ये कदमों की आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि रोहन उठकर खड़ा हुआ और पूरे रूम में देखने लगा कि कहाँ पर से ये आवाज़ आ रही है। पूरे रूम में चेक करने के बावजूद भी उसे कोई नज़र नहीं आया। फिर उसे अपने घर के स्टोर रूम से कुछ आवाज़ें आने लगी। उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन घबराते हुए उसने अपने स्टोर रूम के दरवाजे को खोला तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन एक काला सा साया उसके सामने खड़ा था जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। लेकिन वो काला साया देखते ही देखते रोहन की नज़रों से गायब हो गया और जैसे ही वो रोहन की नज़रों से गायब हुआ, रोहन को लगा कि ये सब उसका वहम है और वो स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद करके वापस से बेडरूम में आ गया और टीवी देखने लगा। टीवी देखते देखते उसे नींद आने लगी थी, लेकिन तभी अचानक से उसे बाथरूम से किसी चीज़ की आवाज़ आई। वो बाथरूम की तरफ गया तो उसने देखा कि बाथरूम की लाइट ऑन है। रोहन को तो कुछ समझ नहीं, उसने बाथरूम का यूज तो किया ही नहीं, उसके बाथरूम की लाइट ऑन कैसे हुई। रोहन अंदर गया और उसने लाइट को स्विच ऑफ किया और वापस अपने कदम बढ़ा ही थे, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ महसूस हुआ और उसने पीछे मुड़ के देखा तो लाइट वापस ऑन हो गई थी। फिर रोहन को लगा कि ये सब सिर्फ पावर की प्रॉब्लम है, हो सकता है स्विच खराब हो गया हो जिसकी वजह से स्विच डायरेक्ट हो गया हो और लाइट जल रही हो। उसका गला सूख रहा था इसलिए वो पानी पीने के लिए किचन में गया और पानी पीकर उसने खाली गिलास को नीचे रखा, लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ रहा था तभी अचानक से वो खाली गिलास अपने आप गिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और जैसे ही उसने ये देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ऐसी अजीब चीज़ें उसके साथ पहले तो कभी नहीं हुई थी, लेकिन आज ये कौन सा उसकी ज़िंदगी में दिन आ गया जिसकी वजह से उसे ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसने कांच के टुकड़ों को साफ करने के लिए झाड़ू और डस्टबिन उठा लिया और वो कांच के टुकड़ों को साफ करने जा ही रहा था, तभी अचानक से उसने जो देखा उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने देखा कि नीचे एक भी कांच का टुकड़ा नहीं था और वो कांच का गिलास ऊपर सही सलामत रखा हुआ था। पहले तो रोहन के दिमाग ने उसे अपनी आंखों पर यकीन करने से मना कर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसे नींद आ रही है जिसकी वजह से ऐसी अजीब चीज़ें उसे दिखाई दे रही हैं। रोहन इन सब बातों को नज़रअंदाज करके अपने बेड पर लेट गया और सोने के लिए उसने आंखें बंद की ही थी, तभी अचानक से उसे छत पे से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी जैसे उसके छत पे कोई चल रहा हो। रोहन काफ़ी ज़्यादा घबरा गया, उसे लगा कि उसके घर पे कोई चोर घुस गया है और वो छत के रास्ते से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। उसे थोड़ा डर लगने लगा, उसने अपने स्मार्टफोन को ऑन किया, उसने अपने फादर को कॉल किया और जैसे उसने अपने फादर को कॉल किया उसने देखा कि फ़ोन उनका स्विच ऑफ आ रहा था। ये देखकर वो और भी ज़्यादा घबरा गया। उसने 100 नंबर पे कॉल किया तो 100 नंबर पे कॉल करने के बाद उसका कॉल लगा ही नहीं। फिर उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें और भी ज़्यादा चौड़ी हो गई, नेटवर्क पार्स डाउन हो गए, उसके मोबाइल के नेटवर्क्स चले गए, ऐसे नेटवर्क्स गायब हो गए मोबाइल से जैसे वो अमेज़ॉन के जंगलों में हो। ये सब देख के वो पसीने से भीग गया और एक लाठी लेकर छत की तरफ बढ़ा। उसे लग रहा था कि उसके छत पे कोई चल रहा है और वो जैसे जैसे
जैसे जैसे अपने छत के पास जा रहा था वो कदमों की आवाज बढ़ती जा रही थी। रोहन के हाथ में अपनी सेफ्टी के लिए सिर्फ एक डंडा था और उसने उस डंडे के सहारे ही ऊपर जाने की हिम्मत की थी। उसने दरवाजे को खोल के तुरंत आसपास देखा कि कौन है, तो उसने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। रोहन ने चैन की सांस ली, उसे ये सब चीजें काफी ज्यादा भयानक लग रही थी। नीचे की ओर देखा तो कोई भी नहीं था। रोहन ने थोड़ा चैन से सांस ली और वापस से नीचे की ओर आया, और जैसे ही वो नीचे की ओर आया तो वो कदमों की आवाज़ वापस से आने लगी। उसका दिमाग अब सुन्न पड़ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो वापस से भागता हुआ छत की तरफ गया तो उधर फिर से कोई नहीं था। रोहन ये सब देख के इतना डर रहा था कि उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने अपने पड़ोसियों को चिल्ला के बुलाने की कोशिश की, लेकिन किसी भी पड़ोसी ने आने की हिम्मत नहीं की। पता नहीं क्यों सब उसे देखकर डर रहे थे। रोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो वापस अपने घर में घुस गया और उसके हाथ में अभी भी वो लाठी थी। रोहन को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसका डर सातवें आसमान पे तो तब पहुंचा जब उसके कानों में एक आवाज़ आई। इस डंडे का कोई फायदा नहीं है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये आवाज सुनते ही रोहन के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जो उसने आवाज अभी हकीकत में सुनी है वो हकीकत है या वहम। उसे कुछ भी समझ नहीं आया और उसने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। वो इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो पसीने से पूरा भीग गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, और अचानक से उसके कानों में एक अजीब सी हंसी सुनाई देने लगती है। जिसे सुनने के बाद रोहन खौफ से कांपने लगता है। उसकी रगों में दौड़ रहा खून बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। उसकी आंखें चौड़ी होती जा रही थी क्योंकि उसके कानों में जो हंसी की आवाज़ गूंज रही थी वो इतनी ज़्यादा भयानक थी कि पूछो ही मत। वो तुरंत उठकर अपने घर से बाहर भागने के लिए दौड़ा, लेकिन वो जब अपने घर के मेन डोर तक पहुंचा ही था तो उसने ध्यान दिया कि उसके पैर धीरे धीरे भारी हो रहे हैं। और जैसे ही वो अपने घर के मेन डोर तक पहुंचा तो उसके पैर इतने ज़्यादा भारी हो गए कि वो अपने पैरों का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा था। वो भाग ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कितने कुंटलों का वज़न उसके पैरों के साथ बांध दिया हो। वो बहुत जी जान लगा के अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो रही थी। वो रो रहा था, घबरा रहा था, और जैसे ही वो मेन डोर तक पहुंचा और उसने मेन डोर खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था, तभी अचानक से उसका पैर किसी ने वापस घर के अंदर खींच लिया और लाइट्स ऑफ हो गई। उसे चारों तरफ से एक आवाज़ सुनाई देने लगी और यह आवाज़ इतनी डरावनी थी कि वो बेहोश हो गया। सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके घर की कोई डोरबेल बजा रहा है। वो भागते हुए मेन डोर पर गया और उसने दरवाज़ा खोला तो रोहन के माता पिता आ चुके थे। वो अपने माता पिता के गले रख के रोने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। रोहन के माता पिता काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि रोहन किस बात से इतना डर गया है कि वो इतने बच्चों की तरह रो रहा है। रोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रोहन को 104 डिग्री बुखार हो गया। रोहन को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और उसे बेड रेस्ट करने के लिए कह दिया। घर आकर वो बेड रेस्ट करने लगा। उसके पापा न्यूज़ देख रहे थे और जो न्यूज़ आई अचानक से टीवी पे उसे सुनकर रोहन के हाथ पैर फिर सुन्न हो गए। और उस न्यूज़ पे था कि रात के वक्त पबजी खेलने के चक्कर में बच्चे ने कर दी लापरवाही। घर के दरवाजे उसने खुले छोड़ दिए, जिसकी वजह से एक मुजरिम उसके घर में दाखिल हो गया और उस मुजरिम ने उस बच्चे को जान से मार दिया। रोहन ये सुनते ही काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और उसका खौफ और भी ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन ये सब तो शुरुआत थी। उसका खौफ तो तब बढ़ा जब उसने उस अपराधी को देखा। उस अपराधी की शक्ल पे एक भी शिकन नहीं थी और वो अपराधी टीवी में देख के मुस्कुरा रहा था, और वो हंसी वही हंसी थी जिस हंसी ने पूरी रात रोहन को परेशान किया था। इसका मतलब जिसके साथ रोहन रात भर पबजी खेल रहा था, यानी कि BGMI खेल रहा था, उसे इस साइको किलर ने मार दिया था।
और इस बात का इतना खौफ रोहन के दिलो दिमाग पे चढ़ गया था कि कम से कम एक हफ्ते तक उसे 104 डिग्री का बुखार रहा। और अब रोहन मोबाइल गेम्स के नाम से ही डरता है।